दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मैसी के रिटर्न के बारे में, और मैसी के फैन होने के चलते ना थोड़ा सा एक दिल में दर्द भी है, थोड़ा सा वो भी शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। ऑल्सो वी गोना टॉक अबाउट छोटा मैसी, मैसी नियो बार्सिलोना तो इंटरेस्टेड है इस ब्राजीलियन लॉन्डे के ऊपर, लेकिन और ही कई सारी जो है वो क्लब्स काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है मैसी नियो को लेकर के आज की वीडियो में। उसके बारे में बात करेंगे, मार्कस अलोंसो के बारे में बात करेंगे, शावी के बारे में बात करेंगे। तो एक पावर पैक्ड जो है वो वीडियो है आज की, सब्सक्राइब करना आप लोग भूल जा रहे हैं। दोस्तों सब्सक्राइब का बटन दबा दो फुटबॉल फैन हो तो, क्योंकि मैं डेली 7:30 बजे आपके लिए फुटबॉल के अपडेट्स लेकर के आता हूं। साथ ही साथ लाइक तो कर ही देना यार, जब सुबह सुबह का टाइम है भला करो ना किसी का, लाइक बटन दबा के और सब्सक्राइब बटन दबा के भगवान आपका भी भला करेगा। ठीक है चलो वीडियो को चालू करते हैं बिना किसी देरी के। फुटबॉल की खबर है सबसे पहले लच्चा गबड़ भाई साहब, शावी का सिचुएशन है एफ सी बार्सिलोना। अब अगर तुम बार्सिलोना फैन हो तो ये चीज़ तो तुमसे भी छुपी नहीं रहेगी, ये मेरे से भी छुपी नहीं रहेगी, ये कि भाई बार्सिलोना चाह रही है कि शावी रुके भाई। यहाँ तक तो भाई राफा यूस्ते का कहना ये है कि अगर शावी जो है वो चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल्स या फाइनल्स तक ले जाता है तो अपन को उसका गोड़ पकड़ लेना, उसका पैर पकड़ लेना और उसको जान ही नहीं देना है, उसको बोलना कि दादा तू रुक, कुछ भी कर लेकिन तू रुक। लेकिन शावी हर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह देता है कि नहीं मैं तो छोड़ करके जाऊँगा, भले हम चैंपियंस लीग पहुँचे या ना पहुँचे, अगर हम जीत भी जाएंगे तो भी मैं छोड़ कर जाऊंगा, वो यहां तक कह चुका है। लेकिन कहीं ना कहीं एक इंटरनल रिपोर्ट बाहर आई है जिसके मुताबिक शावी ने ना कुछ साइनिंग्स की मांग करी थी बोर्ड से, उन साइनिंग्स में बर्नार्डो सिल्वा का नाम था, जूबी मंडी का नाम था, जोशुआ किमिक का नाम था। अगर इन कुछ साइनिंग्स में से कोई भी एक साइनिंग या दो साइनिंग बार्सिलोना करके दे देती है तो फिर शायद शावी जो है वो रुक जाए, ये बोलते हुए कि ठीक है दीज आर दी प्लेयर्स विच आई वॉन्टेड, नाउ यू हैव गॉट देम, आई कैन यू नो मैनेज दी टीम फॉर 1 or 2 more seasons भाई। तो मे बी शावी का रुकना ना रुकना ना अभी ऐसा मत समझो कि 100% जो है वो डिसाइडेड है कि ही लीव ओनली, बट ही कैन स्टे एज वेल। बट इन केस ही लीव्स एफसी बार्सिलोना, एएक्स हैज ऑलरेडी भाई साहब ट्राइड टू कॉन्टैक्ट शावी फॉर भाई साहब हिज मैनेजमेंट। एएक्स का कहना ये है कि हमारी हालत खस्ता हो चुकी है, वी हैव सीन यू भाई साहब बिल्डिंग बार्सिलोना एंड यू हैव वॉन अ लीग एज वेल। तो एएक्स काफ़ी जो है वो भाई इज्जत की नज़रों से शावी को देखती है, एंड ये चीज़ आपको भी पता है, हमको भी पता है कि शावी ऑल्सो फॉलोज अ क्रियोफ वाला जो है वो फुटबॉल DNA काइंड ऑफ, और एएक्स का तो भाई माई बाप ही क्रियोफ रहे हैं। तो वो चीज़ के चलते भी जो है वो शावी को बहुत ज़्यादा जो है वो चाह रही है एएक्स की, टू यू आर दी राइट गाय हु विल बिल्ड एएक्स वापस स्क्रैच से। तो देखो क्या पता शावी शायद एएक्स चले भी जाए ये सोचते हुए कि यार यहाँ प्रेशर कम है, आई एंजॉय, तो हो सकता है। बट प्रोसेस तो भाई बार्सिलोना फुल बना रही है कि भाई शावी रुक जाए। अब उसी प्रोसेस में एक और नाम ऐड हो रहा है मैसिनियो का। अब हु इज़ दिस मैसिनियो, तो तुमको पता है ये नीनियो जो है वर्ड ब्राज़ील में, स्पेन स्पेनिश में, ब्राज़ीलियन तो कोई नई लैंग्वेज होती नहीं है, पुर्तगीज़ वगैरह में जब ये नीनियो लग जाता है, जैसे रोनाल्डिनियो, तो रोनाल्डो का बच्चा इज़ रोनाल्डिनियो, शायद मैं गलत हो सकता हूँ, तो नीनियो मतलब बच्चा होता है, छोटा लड़का, तो मैसिनियो मतलब मैसी का लड़का काइंड। तो एक ये ब्राजीलियन प्लेयर है, विलियन है इसका नाम, सामने का नाम कठिन था तो मैं नहीं ले रहा, विलियन नाम है इसका आखिरी का, एंड ही इज फिनोमिनल गाय भाई। ही प्लेस फॉर द सेम क्लब जो यहां पे एंड्रिक खेलता है, एंड्रिक और ये दोनों काफी अच्छे दोस्त भी हैं। लेकिन जब ये मैसिनियो से पूछा गया कि भाई आपके आइडल कौन है, ऑब्वियसली आप लोगों को पता है उसका आइडल कौन होगा मैसी, उससे पूछा गया कि कौन से क्लब आप जाना चाहते हो, उसने बोला बार्सिलोना, नो डाउट मैं बार्सिलोना ही जाना चाहता हूं कुछ भी हो जाए। फिर उससे पूछा गया कि क्या सीन है आपका, तो वो बोला कि भाई आई विल डाई फॉर एफसी बार्सिलोना, सीधी बात मैं बार्सिलोना ही जाना चाहता हूँ कुछ भी हो जाए। और उसका एजेंट भी करी है, और करी इज द एजेंट ऑफ विटर रोके एज वेल, और विटर रोके का एजेंट करी ने ये भी इंटरव्यूज में कई सारे कह दिया है कि बार्सिलोना शुड नॉट मिस ऑन मैसिनियो बिकॉज ही इज जस्ट ग्रेट, एंड बार्सिलोना ने मिस किया है विनीशियस और रोड्रिगो को लेकर के, मैसिनियो को भी अगर वो मिस कर देंगे तो ऐसे एक टैलेंट को लोग मिस कर देंगे, एंड ही इज अ ग्रेट प्लेयर लाइक फ्यूचर बैलन डॉर विनर फॉर श्योर, एंड एक्सेट्रा बहुत तारीफ किया है, एंड एवरीबॉडी प्रेस मैसिनियो, सॉरी मैसिनियो कह रहा हूँ, मैसिनियो विलियन उतना ही ज्यादा जितना जो है वो उसका एजेंट भी उसको प्रेस कर रहा था। अगर तुम लोग जा करके ना उसके हाइलाइट्स को देखोगे तो तुमको नेमार की याद आएगी, एकदम फटे नेमार की याद आएगी, मतलब जो सेंटोस वाला नेमार था ना, पतले पैर पतला सा आदमी, और भाई फ्लेयर ही फ्लेयर, और वो ड्रिबल कर रहा है, कटा रहा है, सब कर रहा है, वो वाइब है इस बंदे के अंदर, वही सेम पतले पतले पैर आएं बाएं जा रहा है, मतलब इस बंदे को तुम देखोगे तो तुम बोलोगे कि नहीं भाई बार्सिलोना इस बंदे को नहीं मिस कर सकती है। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि केवल 16 साल का है, और 16 साल होने के बावजूद जो इसका रिलीज क्लॉज काइंड
काइंड ऑफ लगाया गया है पाल्मेरास के द्वारा, वो भाई 59 मिलियन का लगाया गया है। नाउ 59 मिलियन इज अ ह्यूज अमाउंट फॉर एफसी बार्सिलोना राइट नाउ। यू माइट बी थिंकिंग कि व्हाई इज दिस अ ह्यूज अमाउंट व्हेन बार्सिलोना हैज ऑलरेडी इन्वेस्टेड 49-50 मिलियन इन फेरान टोरेस एंड अदर प्लेयर्स। तो यहाँ मेसिनियो के लिए जो है वो 49-50 इतना बड़ा क्यों है डील? देखो, एक तो यंग है, ही हैज नॉट प्रूवन हिमसेल्फ इन यूरोप अभी भी। विनीशियस, रोड्रिगो, विनीशियस भी अच्छे खासे पैसों में आया था, रोड्रिगो शायद कम पैसे पे आ गया था। तो ये ब्राजीलियन टैलेंट्स कॉस्ट करते हैं, लेकिन अगर ये चल गए ना भाई तो ये बैलेंडोर विनर्स हैं फॉर श्योर। जैसे विनीशियस का ही देख लो ना, हु न्यू कि ये छोटा सा लड़का निकल करके आएगा और चल जाएगा, चला ना, अब ऐसा चल रहा है कि भाई रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो मेसिनियो भी वही जो है वो कहानी जो है वो कर सकता है, लेकिन बार्सिलोना इज़ थोड़ा सा रिलेक्टेंट टू बाय मेसिनियो। ऑल दो उसका काफ़ी ज़्यादा मन है बार्सिलोना में आने का, एंड आई रियली विश कि वो एक सीज़न दो सीज़न रुक जाए जहाँ पे है वो अभी पाल्मेरास में, वहाँ डेवलप हो, फालतू अभी यूरोप में जंप ना करें। लेकिन अगर वो नहीं रुकता है तो बार्सिलोना का शायद उतना ज़्यादा मन नहीं है उसको खरीदने का, क्योंकि वो राइट विंग में ही खेलता है और राइट विंग में बार्सिलोना के पास ऑलरेडी उनका जैम है लामिन यामाल, और लामिन यामाल को तो उन लोग रिप्लेस नहीं करने वाले हैं ब्राज़ीलियन किड से, मेसिनियो से, और दोनों अभी सेम 16-16 साल के हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो बहुत ज़्यादा क्लैश हो जाएगा अगर ये मेसिनियो बड़ा रहता, 23-24 साल का रहता, तो शायद मे बी बार्सिलोना जो है वो चलती कि ठीक है लामिन यामाल छोटा है तो अपन को कोई लंबा बड़ा खिलाड़ी चाहिए उस जो है वो रोल को फुलफिल करने के लिए 2-3 साल के लिए जब तक लामिन बड़ा होता है, लेकिन लामिन और इसकी एज सेम है। तो बार्सिलोना थोड़ी सी रिलक्टेंट हो रही है इस बंदे को साइन करने के लिए। 29th मार्च को रिपोर्ट आई थी जिसमें ये चल रहा था कि इनकी नेगोशिएशंस काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो गई है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और अभी रिपोर्ट ये सजेस्ट कर रही है कि बार्सिलोना थोड़ा सा स्टेप बैक ले रही है, क्योंकि ऑब्वियसली पैसा काफ़ी ज़्यादा है और लामिन यामाल की पोजीशन में खेलता है इसलिए। लेकिन अगर बार्सिलोना मिस करेगी तो लेट मी टेल यू, नंबर्स ऑफ क्लब्स आर इंटरेस्टेड बिहाइंड हिम भाई। बार्सिलोना के साथ ही साथ चेल्सी, मैनचेस्टर सिटी, मैनचेस्टर यूनाइटेड, आर्सेनल, रियल मैड्रिड एंड पेरिस सेंट जर्मैन, ये क्लब्स, मैंने लगभग हर एक बड़े क्लब का नाम ले लिया, ये सभी बड़े क्लब जो हैं वो नज़र लगा के रखे हैं इस बंदे के ऊपर, और जो भी फिर पैसा देगा ये बंदा वहाँ चले जाएगा। जैसे हमने क्लाडियो के साथ होते हुए देखा, जैसे हमने रोड्रिगो और विनीशियस के साथ भी होते हुए देखा है, दोनों जो है वो भाई बार्सिलोना के रडार में थे, और विनीशियस तो बार्सिलोना का जो है वो फैन भी था, लेकिन एंडेड अप रियल मैड्रिड के साथ ना, क्योंकि ऑब्वियसली पैसे ज़्यादा मिले। तो ये सेम कहानी जो है वो मेसिनियो के साथ भी हो सकता है अगर बार्सिलोना जो है वो जल्दी एक्ट ना करे। एंड बिलीव मी व्हेन आई एम सेइंग दिस, मेसिनियो इज़ वन ऑफ दोस गाय जिसको बार्सिलोना अफोर्ड नहीं कर सकती है लूज करने के लिए, क्योंकि अगर ये बंदा किसी और क्लब में जाकर के शाइन किया ना तो फिर वो ज़िंदगी भर खलते रहेगा कि यार क्या कर लिए यार, अपन को ले लेना चाहिए था भाई, ले लेना चाहिए और था। और इस बंदे को देख करके लग रहा है कि इसके अंदर वो दम है कि ये शाइन करेगा, कोई भी क्लब में भी जाएगा। तो आई रियली विश दैट बार्सिलोना फाइंड्स अ वे, मे बी रफीना को बेच करके इफ़ दे आर एबल टू डू सो, मेसिनियो को ले लो ना यार, लाइक ही इज़ अ ग्रेट प्लेयर, ही इज़ अ जेम टू हैव एंड बेंच स्ट्रॉन्ग, अच्छा करेगा यार, ले लेना चाहिए, मेरा ये ओपिनियन है। खैर अगली खबर के ऊपर आ जाते हैं, और वो है मार्कोस अलोंसो की जो है वो खबर। मैं आपको बता दूं दोस्तों, मार्कोस अलोंसो का जो है वो ये कंफर्म हो गया, 110% कंफर्म है कि मार्कोस अलोंसो जो है वो इस सीज़न के बाद जो सीज़न आएगा उसमें बार्सिलोना का प्लेयर नहीं आपको बन करके दिखेंगे। इस सीज़न जो है वो भाई अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर रहे हैं बार्सिलोना के साथ, और अगले सीज़न जो है वो एक फ्री ट्रांसफ़र होने वाले हैं। एंड बार्सिलोना का कोई बुढ़ा प्लेयर फ्री ट्रांसफ़र हो रहा है, एथलेटिको मैड्रिड उसको ना खरीदे ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो एथलेटिको मैड्रिड इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू बाय भाई साहब मार्कोस अलोंसो, एज पर द रिपोर्ट्स काफ़ी ज़्यादा जो है वो बात हो चुकी है इन लोगों के बीच में इसको जो है वो खरीदने के लिए। और डिएगो सिमियोने इज़ अ फैन ऑफ मार्कोस अलोंसो, एंड वो अपनी जो है वो डिफेंसिव सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, डिफेंसिव बेंच को स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, इसलिए दे विल बी गोइंग फॉर मार्कोस अलोंसो। सो मार्कोस अलोंसो विल बी लीविंग एफ सी बार्सिलोना 110% फॉर श्योर, एंड एथलेटिको मैड्रिड की नज़र है 80% यू कैन कंसिडर हिम एज अ एथलेटिको मैड्रिड प्लेयर। तो यही थी दोस्तों आज की खबरें, एक खबर बची और वो है मेसी से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, मैं भूल गया था, मैं आपको बता दूं, सो मेसी का जो है वो आज एक फोटो बाहर आया जहाँ पे मेसी इज़ सीन ट्रेनिंग विद भाई साहब इंटर मियामी की टीम, एंड ही इज़ भाई साहब इन फुल ट्रेनिंग। ऐसा नहीं कि इंडिविजुअल ट्रेनिंग चल रही है, कुछ ऐसी वैसी ट्रेनिंग चल रही है, मेसी इज़ इन फुल ट्रेनिंग विद इंटर मियामी। दैट मीन्स जो अगला गेम होने वाला है विच विल बी अ नॉकआउट गेम का जो है वो फर्स्ट लेग, उसमें मेसी जो है वो आपको पार्टिसिपेट करते हुए नजर आएंगे। विद ऑल द गेम्स विच मेसी हैज़ नॉट प्लेड फॉर इंटर मियामी, रिजल्ट
रिजल्ट्स काफ़ी ज़्यादा जो है वो एवरेज रहे हैं, क्या तो एक गोल से जीती या तो ड्रॉ करी या तो हारी है, लेकिन विद मेसी कमिंग बैक टू द स्क्वाड इट्स लाइक लिटरली होपफुल दैट मेसी विल शो हिज मैजिक वंस अगेन एंड इंटर मियामी विल बी बैक विद विनिंग वेज। लेकिन मैंने आपको जो बात बोली थी ना कि एज अ मेसी फैन मेरे को क्या दर्द हो रहा है, मेसी इज़ गेटिंग लॉट injured, moreover he is also not involved in football like he used to, समझ रहे हो तुम। मतलब मेसी ना अब रिलैक्स मूड में हो गया है कि यार अब तो हो गया, अब तो मैं सब जीत गया हूँ, अब मेरे को कोई टेंशन वाली बात नहीं है टाइप से हो गया मेसी। और वो जीत भी गया है वर्ल्ड कप जीतने के बाद, थोड़ा सा वो हो गया है थोड़ा सा ऐसा कि हाँ अब तो होगी इस भाई, अब तो मैं जीत गए हूँ सब, तो अब होगी इस मोर काम। लेकिन ये एटीट्यूड ना एज अ मेसी फैन मेरे को अच्छा नहीं फील करवा रहा है, बिकॉज समवेयर आई नो दैट मेसी हैज़ अ लॉट टू गिव एंड व्हेन ही गिव्स लाइक हमने अर्जेंटीना के गेम्स में देखा है उसको देते हुए। ऑन द अदर हैंड व्हेन आई सी रोनाल्डो, भाई रोनाल्डो इज डूइंग सुपर बैट भाई साहब, सऊदी ही रिसेंटली स्कोर्ड अ हैट्रिक भाई, एंड ही ऑल्सो हैज़ नथिंग टू प्रूव बट ही इज़ डूइंग ना, क्योंकि उसका गेम है, उसका मन है खेलने का, वो बहुत ज़्यादा फुटबॉल में भाई एकदम घुसा हुआ है। और मैसी ऑन द अदर हैंड थोड़ा सा अब राम वाले, तो एज अ मैसी फैन मैं मैसी को कम्पीट करते हुए देखना चाहता हूँ, मैं मैसी को खेलते हुए देखना चाहता हूँ, मैं मैसी को गोल मारते हुए देखना चाहता हूँ, मैं मैसी को असिस्ट देते हुए देखना चाहता हूँ, जो होपफुली कल से अपन को देखने को मिलेगा। होपफुली मैसी अब फिर से इंजर्ड ना हो, इंटर मियामी में आग लगाए, टॉप गोल स्कोरर बने हैं भाई साहब, शटर्स करे रिकॉर्ड को MLS के, मैं ये चाह रहा हूँ। खैर दोस्तों यही थी आज की वीडियो, में मिलता हूँ आपसे कल जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, आशीष के नाम पीस, जय हिंद वंदे मातरम।